Hello kids, welcome to my channel Study with me. Today I am going to teach you English Bal Bharati Standard 5 Unit 1 Chapter 2 Daydreams. आपने इससे पहले देखा होगा कि यूनिट 1 का चैप्टर 1 जो कि एक पोयम है वाटर बर्ड थॉट वो इस चैनल पे अपलोड किया गया है. आज हम देखेंगे चैप्टर 2 Daydreams. इसे चैप्टर को मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया है ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को इजीली एक्सप्लेन कर पाए ये चैप्टर, इसलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. डे ड्रीम्स, डे का मतलब है दिन, ड्रीम्स मतलब सपने. डे ड्रीम्स दिन में सपने देखना. यहाँ फिगर में दिखाया गया है एक स्वीट कपल है, पति पत्नी बैठे हुए हैं जो कि खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं. वो दिन में क्या सपने देखते हैं इस रिलेटेड ये पूरा चैप्टर आपको दिया है. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. चैप्टर 2 डे ड्रीम्स. वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक. एक बार एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था जो ज़्यादातर अपना समय बेकार बातों में बर्बाद करता था. हमेशा बेकार बातें करते रहना, दिन भर कुछ भी कुछ सोचना, ये वो करते थे. वन डे द हस्बैंड सेड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउस. एक दिन पति ने कहा कि उसे हमेशा से काउस यानी गाय रखने हैं. इफ बाय चांस आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस. अगर मुझे लक बाय चांस से एक कुछ पैसे मिल गए कहीं से भी तो वो कुछ गाय खरीदना चाहते हैं. तो ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि कुछ समय पहले एक कपल रहते थे, उसमें जो हस्बैंड है वो बता रहे हैं अपनी पत्नी से कि उन्हें हमेशा से थोड़े गाय खरीद के रखनी है अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो. जो फार्मिंग करते हैं उसमें से अगर ज़्यादा फ़ायदा हो जाए तो वो फ़ायदे के बचे हुए पैसों से कुछ गाय खरीदना चाहते हैं. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. यू हैव टू फीड द काउज, वॉक देम, बेट देम, मिल्क देम. काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. बाद में वो कहते हैं कि जो काउज है उनके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, आपको उन्हें फीड करना पड़ेगा, खाना पीना खिलाना पड़ेगा, उनको वॉकिंग यानी फिराना पड़ेगा और उनकी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, उन्हें मिल्क करना होगा. काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. उनकी बहुत अच्छी से देखभाल करनी चाहिए. वन काउ वुड बी इनफ, देयर इज नो नीड टू बाय मोर काउज. ये पत्नी ने कहा, क्या कहा कि अगर हम हमारे पास बहुत सारे काउज यानी गाय रख लेंगे तो काम भी ज़्यादा होगा, जैसे कि उन्हें वॉकिंग पर ले जाना है यानी घूमने फिराना है, उनको साफ सफाई करना है, उनकी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा, बहुत ज़्यादा काम लगेगा, इसलिए हमें सिर्फ एक ही गाय खरीदनी चाहिए. ऐसे किसने कहा, पत्नी ने पति से. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड. फिर इस पर पति ने क्या कहा कि अगर हमारे पास ज़्यादा गाय होंगे तो हमें ज़्यादा मिल्क भी मिलेगा. ज़्यादा काउ होंगे तो हमें ज़्यादा मिल्क यानी दूध मिलेगा, ऐसे पति बोलता है अपनी पत्नी से. फिर इस पर दैट्स ट्रू द वाइफ एग्रीड. पत्नी भी हामी भरती है कि हाँ ये बात तो सच है कि हमें ज़्यादा दूध मिलेगा. There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. पत्नी कहती है कि हमारे पास इतना ज़्यादा दूध होगा कि हम उसका दही बना सकते हैं, मक्खन काट सकते हैं और घी भी बना सकते हैं. Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. हम कितने lucky है कि हमारे पास पहले से ही मिट्टी के कुछ घड़े रखे हुए हैं,
साइड में, जो हम अब यूज़ करेंगे ये दही बनाने के लिए, मिल्क जमा करने के लिए और घी बनाने के लिए। आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर बटर। मैं क्या करूँगी, एक अर्दन पॉट में यानी कि मिट्टी के घड़े में एक में दही जमाऊँगी, एक में मिल्क डालूँगी और एक में मक्खन काढ़ूँगी, और जो घी है द घी आई विल पुट इन अनादर जार। जो घी है मैं उसे एक जार में, एक कांच के बर्तन में रख दूँगी। एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर। जो बचा हुआ दूध है वो मैं क्या करूँगी, सिस्टर को दूँगी अपनी। ऐसे किसने कहा, पत्नी ने पति से कहा कि बचा हुआ जो भी दूध होगा वो अपनी बहन के पास भिजवा देंगी। इस पर पति ने कहा, सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। दूध भेजना है अपनी बहन को, किसने कहा कि तुम दूध भेजोगी अपनी बहन को, ऐसे पति ने पत्नी से कहा। इस पर पत्नी ने कहा, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मच काउज, वाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर। पत्नी कहती है पति को कि अगर हमारे पास ढेर सारा दूध है, जो हमें ढेर सारे गाय खरीदने पर, बहुत सारी गाय खरीदने पर ढेर सारा घर में दूध होगा, तो मैं अपनी बहन को क्यों नहीं दे सकती वो दूध। पति ने कहा, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क। हम वो जो बचा हुआ मिल्क होगा, दूध होगा, वो हम जाकर मार्केट में बेच देंगे, बाजार में जाकर बेच देंगे, इसीलिए आप अपनी सिस्टर को नहीं दे सकते हैं। आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, मैं ही डिसाइड करूँगा, मैं ही निर्णय लूँगा कि वो दूध जो है उसका क्या करेंगे, बचे हुए दूध का क्या करेंगे हम लोग। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर, उसका एक कतरा भी यानी एक ड्रॉप भी अपनी बहन को नहीं दोगी तुम, ऐसे पति ने पत्नी से कहा। इस पर पत्नी ने कहा, आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई सिस्टर। पत्नी ने कहा कि मैं देखूंगी कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो मेरी बहन को दूध देने के लिए, घड़ा भरकर दूध देने के लिए कैसे रोक सकते हो, ये मैं देखूंगी। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज, सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू द मिल्क, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, द वाइफ एक्सक्लेम्ड। मुझे ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे ही कड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी, भागा भागी करनी पड़ेगी और जो काउज है, गाय है, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, तो नेचुरली मतलब साहजिक है कि इसका दूध का क्या करना है ये मैं ही डिसाइड करूँगी, मैं ही निर्णय लूँगी कि ये दूध का क्या क्या करना है, दही जमाना है, मक्खन काढ़ना है, घी निकालना है, जो करना है इसका डिसाइड सिर्फ मैं करूँगी, और मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे स्टॉप करते हो, तुम सिर्फ ट्राई करके देखो, ऐसे पत्नी ने एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम किया मतलब चिल्ला कर पति से कहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब तक क्या देखा है कि एक कपल है, वो सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा काउ होंगे तो वो क्या करेंगे, उसका मिल्क यूज़ करेंगे अलग अलग जगह पर। पति है वो क्या करना चाहते हैं कि मिल्क लेकर बाज़ार में बेचना चाहते हैं, और पत्नी जो है वो क्या करना चाहती है, उसका दूध जमा करके रखना चाहती है, दही जमाना चाहती है, बटर बनाना चाहती है यानी मक्खन काढ़ना चाहती है, घी बनाना चाहती है, और बचा हुआ सारा जो दूध है वो अपनी बहन को देना चाहती है। और इस पर ही उनकी बातचीत चली है। पत्नी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ही संभाल रही हूँ, मैं ही देखभाल करूँगी काउस का, गायों का, तो मुझे ही अधिकार है कि मैं उस दूध का क्या क्या कर सकती हूँ, ऐसे उसने
पति से कहा। Is that so? Shouted the husband. Watch this then. जब पत्नी कहती है कि वो बचा हुआ दूध अपनी बहन को देगी और दूध के साथ क्या करना है ये वही डिसाइड करेगी, वही निर्णय लेगी, इस पर पति एकदम कहता है कि इज दैट सो, शाउट करता है, चिल्लाता हुए कहता है कि क्या यही बात है, तो देखो मुझे। ऐसे कहते कहते वो ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्दन पॉट्स वन बाय वन। ऐसे कहते हुए वो क्या करता है, उठ खड़ा होता है और एक एक मिट्टी के बर्तन लेकर जो घड़े हैं उधर उसे स्मैश करता है, तोड़ने लगता है, उठा उठा कर पटकता है जिससे वो टूटने लगते हैं, मिट्टी के बर्तन सब तोड़ देता है। हिज वाइफ बिगैन टू स्क्रीम। यह सब देखकर जो पत्नी है वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि क्या कर रहे हो ऐसे। गोपाल भंड हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशन एंड रश्ड इनसाइड। जो गोपाल भंड है जो उधर से ही गुजर रहा होता है वो ये इनकी बातचीत जो पति पत्नी कर रहे हैं ये क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सुनता है और वो सुनकर वो अंदर उनके घर में चला आता है। When he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. जब वो सुनता है इनकी सारी बातें तो उधर से वो क्या करता है कि वहाँ एक स्टाउट स्टिक होती है, स्टाउट स्टिक मतलब एक मोटी लकड़ी पड़ी होती है उस कॉर्नर में उनके घर के, वो क्या करता है वो स्टिक को लेकर स्विश इट इन थ्रू द एयर एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, वो हवा में लहराने लगता है, घुमाने लगता है वो स्टिक को और पाउंड इट ऑन द ग्राउंड, वो पीटने लगता है उससे फ्लोर को। द हस्बैंड एंड वाइफ वे बोथ अस्टाउंडेड टू सी हिज एंटिक्स। जो पति पत्नी होते हैं उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एंटिक्स का मतलब क्या है, अद्भुत, ये क्या हरकत कर रहा है, अद्भुत हरकत, तो ये क्या हरकत कर रहा है ऐसे, ये क्यों कर रहा है गोपाल भट्ट, ये वो आश्चर्यचकित होकर पति पत्नी उसे देखते रहते हैं। वॉट आर यू डूइंग दे इंक्वायर्ड। वो उसे पूछने लगते कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। मूव असाइड सेड गोपाल भंड। गोपाल भंड क्या कहता है कि साइड में हटो। देन आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज। मुझे क्या करना है, भगाना है तुम्हारी लालची गायों को। यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रुइंड माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। वो क्या कहते हैं कि तुमने जो तुम्हारी गाय हैं उनको वॉन्डर करने दिया है, भटकने दिया है, घूमने दिया है और वो मेरे फील्ड में आए, खेत में आए हैं, जो खेत में मैंने बीन्स और कुकुम्बर लगाए हैं, जिसमें मैंने ककड़ियाँ लगाई है, वो खेत में आकर उसे रुइन किया है, ख़राब कर रहे हैं, तुम्हारी लालची गाय मेरे खेत में आकर मेरे खेत का नुकसान कर रहे हैं। ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, मेरे कितने प्यारे खेत हैं जिसमें ककड़ी है, बीन्स है, कुकुम्बर्स लगाए हुए, वो प्यारे खेतों को ये तुम्हारी लालची गाय रुइन कर रही है, मतलब ख़राब कर रही है। इस पर पति कहता है बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। पति गोपाल भंड से क्या कहते हैं, बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, आपके पास तो खेत ही नहीं है जिसमें ककड़ियाँ और बीन्स है, यू डोंट हैव फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, ऐसे पति गोपाल भंड को कहता है। एज सून एज ही सेड दैट गोपाल भंड स्टॉप्ड वेल्डिंग द स्टिक एंड लुक्ड एट हिम विथ रेज्ड आईब्रोज। फिर
जैसे ही पति उनसे कहता है कि तुम्हारे पास खेत ही नहीं है जिसमें बीन्स और कुकुम्बर्स है, उस पर गोपाल भंड क्या करता है, अपने हाथ की जो छड़ी है उसे घुमाना फिराना बंद करता है और रेज्ड आईब्रोज मतलब एक गुस्से से इसकी तरफ देखता है, ऐसे अपने आंखों के आईब्रोज भुयां ऊपर करकर वो पति को देखता है। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल देम। जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उन्हें अब समझ आता है कि वो गोपाल भंड उनसे क्या कहना चाहता है, उसे एक्चुअल में क्या कहना है वो समझ जाते हैं। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से, अब क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या कहना है, और इधर क्वेश्चन मार्क किया है, इससे आपका लेसन ख़त्म हो गया है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो उसे क्या कहना है, उसे एक्चुअल में ये कहना है कि ये जो पति पत्नी है वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, यानी कि डे ड्रीम कर कर वो सोच रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं, वो बचे हुए पैसे से गाय लेंगे, गाय से ढेर सारा दूध आएगा, दूध का वो क्या क्या उपयोग करेंगे, जैसे कि दूध बेचेंगे, बहन को देंगे, दही जमाएंगे, बटर निकालेंगे यानी मक्खन बनाएंगे, घी बनाएंगे, ऐसे सब वो झगड़ रहे हैं जो ढेर सारा दूध है उसको लेकर, उसके लिए मगर उनके पास गाय है नहीं है, और ये झगड़ते झगड़ते वो क्या कर रहे हैं, अपने मिट्टी के जो बर्तन हैं वो पति तोड़ते हैं, उस पर पत्नी चिल्लाती है, और ये सब सुनकर जो गोपाल भंड है वो अंदर आकर स्टिक से मारने लगते हैं, छड़ी से मारते हैं, और ऐसे बोलते हैं हवा में ही लहराते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारी लालची गायों को भगा रहा हूँ, मतलब वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारी लालची गाय वो मेरे ककड़ी के खेतों को ख़राब कर रही है, तो इससे वो बताना चाह रहे हैं कि ना ही मेरे पास कोई ककड़ी का खेत है, ना ही आपके पास कोई काउज है, ना ही आपके पास मिल्क है, तो आप सब इतने ये चीज़ पर क्यों झगड़ रहे हो, क्यों आप दोनों ये चीज़ पर लड़ पड़े हो, ऐसे वो उन्हें समझाना चाहते हैं। और एट द एंड जब पति कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई ककड़ी का बीन्स और कुकुम्बर्स का खेती नहीं है, उस पर गोपाल भंड वो छड़ी फिराना घुमाना बंद कर देता है और रेज्ड आईब्रो से मतलब गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। इस पर वो जो पति पत्नी है उन्हें समझ आता है कि अब तक हम जो भी सोच रहे थे वो एक इमेजिनेशन था, जस्ट सोच रहे थे, हमारे पास ना ही कोई गाय है ना ही इतना ढेर सारा दूध है कि जिसके बारे में हम सोच सकें, और फिर हम इस बात पर क्यों झगड़ रहे हैं, तो यह बताना चाहते हैं ये लेसन में। तो आज हमने देखा चैप्टर नंबर 2 डे ड्रीम्स। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।